हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है महमूद इरफान। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे सनमाइका किस तरह साफ़ किया जाता है, और ये मैट सनमाइका है लाइट कलर। तो चलिए देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये एनसी थिनर है, ये आपको मार्केट में 50 रुपये का आधा लीटर मिल जाएगा, और ये कॉटन कपड़ा है। और ये एक 4 इंच की पत्ती है, प्रोटीन पत्ती, आप चाहे तो 3 इंच ले सकते हैं। और दोस्तों, मैट सनमाइका साफ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और दोस्तों, ये है कार एंड बाइक पॉलिश, इसको हम लास्ट में यूज करेंगे ताकि सनमाइका में चमक आ जाए। ये आप इसकी MRP 20 रुपये है, लेकिन ये 10 रुपये में मिल जाता है। और एक डब्बे में हम ले लेंगे साफ पानी। तो दोस्तों, अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। इसी तरह पेंट और पॉलिश की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, पहले हम कपड़े की से इसको भिगोएंगे सनमाइका को पानी के ज़रिए, फिर उसके बाद पत्ती से इसको खुश खुश साफ कर लेना है, इस तरह जिस तरह दिखाया जा रहा है वीडियो पे। इसको हल्के हाथों से पत्ती चलाना है ताकि सनमाइका ख़राब ना हो पाए, स्क्रेच ना कहीं आए। अच्छा, इसको पानी लगा देना है दोस्तों, ताकि ये सभी जगह से जो गंदगी इसमें लगी हुई है फूल जाए। जितना हो सके उतना पानी से साफ कर लेना है, पानी और पत्ती के मदद से सभी जगह पर। दोस्तों, बहुत आसान तरीका है, बस थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, दम ये समय का चमक जाएगा। तो दोस्तों, हमने पानी साफ कर लिया, पानी सूखने के बाद अब इसको एनसी थिनर से साफ करेंगे। ये है एनसी थिनर, और ये कपड़े को ऐसे गद्दी बना लेना है कपड़े की। देखिए, जो ये गंदगी लगी हुई है ये साफ़ नहीं हुआ पानी से, तो इसको हम थिनर से साफ़ करेंगे, बिल्कुल एकदम नया हो जाएगा। और अगर आप बेड साफ़ कर रहे हैं, उसमें बीट लगी हुई है, अगर पॉलिश हुई हुई है तो उसको बचा के करना है, नहीं तो पॉलिश ख़राब हो जाएगी। अब जहाँ पर साफ़ नहीं हो पा रहा है, क्लीन नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर पत्ती से हल्के हल्के उसको निकालेंगे गंदगी को। बस पॉलिश पर एनसी थिनर का यूज ना हो, नहीं पॉलिश ख़राब हो जाएगी, बचा के करना है उसको। सभी जगह से थिनर से साफ कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, एकदम साफ हो गया सनमाइका हमारा। दोस्तों, ऐसे ही साफ करना है, इसी तरह से। और एक साफ कपड़े से साफ करना है, गंदे कपड़े से नहीं। उसके बाद दोस्तों, हम एक सूखा कपड़ा लेंगे और हल्का सा बिल्कुल थिनर लेना है, और फिर सभी जगह से इसको साफ कर देना है, ऐसे इस तरीके से, ताकि जो हल्की फुल्की गंदगी लगी हो बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया, नया जैसे हो गया। देखिए दोस्तों, बिल्कुल नया हो गया एकदम। देखिए दोस्तों, अभी इसमें हल्के हल्के धब्बे हैं,
जो छिंदल के धब्बे हैं इसको हम बाइक पॉलिश से चमकाएंगे ताकि जो जो धब्बे हैं ख़त्म हो जाए सब और सनमाइका में शाइनिंग आ जाए। तो थोड़ा सा पॉलिश लेंगे कपड़े में इस तरह से पॉलिश लगा देना है कपड़े की मदद से और दबा कर इसको घिसना है ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए और जो धब्बे वगैरह हों थिनर का वो निकल जाए एकदम। देखिए दोस्तों बिल्कुल एकदम चमक गया। ये मात्र 80 रुपये में ये पूरा आपका माइका साफ हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, टेक केयर।